वेलकम स्टूडेंट्स टू योर इंग्लिश क्लास। सो स्टूडेंट्स, एज़ यू नो, अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। पार्ट थ्री पार्ट में हो गई है क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप अच्छे से उसको अच्छे से समझो। तो इस पार्ट में बेटा हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ डाउट्स रह गए थे स्टूडेंट्स के, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल करते हैं, आफ्टर देन वी विल टुडे वी विल कंप्लीट द टॉपिक। ओके, नाउ बाकी के एग्जाम्पल हमने कर लिए थे जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में थे, जिसमें हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो स्टार्ट होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली से और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। सो कन्फ्यूज़न कहाँ होती है स्टूडेंट्स को, बच्चों को, वो होती है जब आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बना होता है एक, वो होता है बेटा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का और सिंपल पास्ट का, क्योंकि उसमें हमारे पास एक वर्ब होती है डू, ठीक है, तो उसे चेंज करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। तो आज उसी से रिलेटेड मैंने जितनी भी एग्जाम्पल लिए हैं उन दो टेंसेस से ही रिलेटेड हैं। तो आई होप ये एग्जाम्पल करने के बाद आपके सारे डाउट इस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही सेड, वेल पंकज, हैव यू डन दिस वर्क। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में देखो, अब यहाँ क्योंकि देखो डायरेक्ट है तो वो उसने बात की है पंकज से, शी जो है वो बात करिए किससे, किसको एड्रेस करिए, पंकज को। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना इस टाइप के, इन्हें हम ओमिट कर देते हैं, हटा देते हैं, और पंकज जो है वो हमारा आ जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, यानी कि सेट के साथ। क्लियर? उसके बाद ये सेंटेंस देखो आप, हमारा मेन जो सेंटेंस है वो यहाँ से है, स्टार्ट किससे है, हेल्पिंग वर्ब से है, ठीक है। तो पंकज को हमने बाहर लिया, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं बेटा वो हट जाते हैं क्योंकि पंकज से बात की गई है, तो पंकज यहाँ से बाहर आ जाएगा। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है ना, जहाँ से हमारा मेन सेंटेंस स्टार्ट है, तो हम यहाँ इफ़ यूज़ करेंगे, वेदर यूज़ करेंगे। थोड़ी सी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि इफ़ जो है वो यहीं यूज़ कर ले, पंकज से पहले यूज़ कर ले, नो इस टाइप से नहीं होगा, ठीक है। तो इफ़ के बाद फिर हमें चेंज करना है, सिंपल सा, यू हमारा है सेकंड पर्सन, पंकज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पंकज से, ठीक है, पंकज हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पंकज के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ हो गया ही फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म एंड डन दिस चेंज इनटू दैट वर्क। क्लियर? आई होप डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि पंकज जब इस टाइप से हो, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज हो, तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी के सारे चेंजेस करते हैं। अब नेक्स्ट देखना, आपके पास डायरेक्ट में इस टाइप के सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, जस्ट लाइक व्हाट डू यू वांट रिदम सेड टू मी, ठीक है। अभी तक हमने जितने सेंटेंसेस किए हैं उसमें क्या था, हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इंट्रोडक्टरी वर्ब जो है वो उसका प्लेस रहता है हमेशा आगे, और डायरेक्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसका प्लेस रहता है बाद में। बट इस टाइप से भी हो सकता है, तो जब इस टाइप से आपको मिले तो हमें क्या करना है, हम हमारी जब चेंज करेंगे तब हम हमारी डायरेक्ट वर्ब को, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को, इंट्रोडक्टरी वर्ब को आगे ले आएंगे। तो रिदम आस्क्ड मी, क्लियर, इनडायरेक्ट में ये आगे आ जाएगा। उसके बाद देखो, अब यहाँ से डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट है, कोई कनेक्टर यूज़ नहीं किया, डब्ल्यू एच फैमिली से एज इट इज़। ओके, नाउ द मेन टास्क, अब मेन जो है वर्क वो स्टार्ट हुआ है। अच्छा, इस टाइप के सेंटेंसेस में, अच्छा अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, व्हाट एज इट इज़, कोई कनेक्टर यूज़ नहीं हुआ क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट है। ओके, नाउ इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है तो क्या करना होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बना देते हैं सिंपल सेंटेंस में, किस में चेंज कर देते हैं, सिंपल में। तो पहले है ना, हम इसको पहले से ही सिंपल में चेंज करके रखते हैं इसे, ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब वट को एक बार आप भूल जाओ कि यहाँ वट है भी या नहीं, अब इसे सिंपल में चेंज करा, डू यू वॉन्ट, डू यू वॉन्ट, इसे सिंपल में चेंज कर दो यहीं पर ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू वॉन्ट,
क्लियर। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि इनडायरेक्ट में हमें सिंपल में ही चेंज करना होता है। तो छोटी छोटी स्टेप है, आप पहले स्टेप वाइज करो, जब आपको अच्छे से आ जाए आप डायरेक्ट उन्हें सीधा चेंज करो। क्लियर। तो यहाँ फिर हमारे पास क्या आया, यू वॉन्ट, डू हट गया। सिंपल प्रेजेंट में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डू और डस। जब वहाँ हमें इंटरोगेटिव से सिंपल बनाने होते हैं तो ये डू और डस हट जाते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ हो जाती है। तो अब यहाँ चेंज करेंगे यू वॉन्ट के अकॉर्डिंग, वट एज इट इज़, यू को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहाँ आ गया आई, और वॉन्ट रह गया था वो हमारा, तो वॉन्ट का बन गया वॉन्टेड, और लास्ट में फुल स्टॉप। यूजुअली जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, आप यहाँ देख लेते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हो सेकेंड में, यानी कि डिड में। बट लिसन स्टूडेंट्स, हमें इंटरोगेटिव नहीं बनाना है, हमें उसे सिंपल बनाना है, तो आप यहीं पर उसे सिंपल में चेंज कर दो। क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ईशान सैड टू खुशी, ईशान ने खुशी से कहा कैन यू डू दिस वर्क। अब यहाँ पे भी हमारे पास डू आया है, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देखना देना, ईशान इंटरोगेटिव है, सो सैड टू चेंज इन टू आस्क्ड में। कैन से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो कनेक्टर हो गया इफ, और इसके साथ हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, वेदर भी आप राइट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी राइट कर सकते हो। ओके, उसके बाद पहले हम यहीं पर ही इसको सिंपल में चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आगे सिंपल में चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो पहले आप यहीं से ही सिंपल में चेंज कर दो। और हेल्पिंग वर्ब की पोजिशन कहाँ हो जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब की पोजिशन हो जाएगी सब्जेक्ट के बाद, यानी कि सेंटेंस हो गया हमारा यू कैन डू दिस वर्क। क्लियर। तो अब यू जो था वो हो गया आपका सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू खुशी, खुशी के लिए हमने ले लिया शी, कैन फर्स्ट फॉर्म है, चेंज इन टू सेकेंड कुड में, और डू आपका एज इट इज, दिस चेंज इन टू दैट में वर्क। ओके, नाउ आई थिंक देर इज़ अ क्वेश्चन इन योर माइंड, आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर रेज हुआ होगा कि यहाँ पर डू चेंज क्यों नहीं किया, यहाँ पर चेंज कर दिया था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो डू है वो एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज की, हमने चेंज कर दी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हमारी एज इट इज़ रहेगी। क्लियर। तो ये भी देखना है कि ये नहीं है कि जहाँ डू देखा उसको ओमिट कर दोगे, स्किप कर दोगे, तो आपको इस डू का वर्क भी देखना है कि वो एज अ हेल्पिंग वर्ब वर्क कर रही है या एज अ मेन वर्ब वर्क कर रही है। क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, साहिल सेड टू रश्मि डिड यू राइट अ लेटर। बहुत इंटरेस्टिंग। और तो साहिल ने कहा रश्मि से, डिड यू राइट अ लेटर, इंटरोगेटिव है, अंडरस्टूड है, सेड टू चेंज इन टू, आस्क्ड में चेंज हो गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ में चेंज हो गया, सॉरी इफ कनेक्टर हमने यूज़ किया। ओके, नाउ द मेन टास्क इज, अब इसे क्वेश्चन सेंटेंस को बनाना है सिंपल में, ठीक है, तो अब पहले ही इसको यहाँ पर ही सिंपल चेंज करो, सिंपल में चेंज करो, डिड यू राइट अ लेटर, अगर आप इसको सिंपल में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, यू रॉट अ लेटर, यू रोट अ लेटर। क्लियर। आप इसे पहले से ही सिंपल में चेंज करके रखो, जस्ट लाइक यहाँ हो गया यू रॉट अ लेटर। क्लियर। अब हम जो इनडायरेक्ट चेंज करेंगे वो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है, डिड को हमने स्किप किया क्योंकि हमें इनडायरेक्ट में सिंपल में चाहिए, जब डिड वाले सेंटेंसेस को हमने सिंपल सेंटेंसेस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज किया सिंपल में, तो हमारी वर्ब की फॉर्म यूज़ हो गई रॉट, सेकंड फॉर्म। क्लियर। यहाँ मैंने अलग से मेंशन भी कर रखा, सो अब चेंज करते हैं, साहिल आस्क्ड रश्मि इफ़, यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ अब यहाँ इसे चेंज करना है हमें, डिड को नहीं देखना अब आपको, क्योंकि सिंपल में चेंज चाहिए, सिंपल में करना था तो इसने इसको हमने ऑलरेडी पहले से ही करके रखा, यू रश्मि के अकॉर्डिंग चेंज हुआ शी। नाउ द वर्ब सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गई हमारी, ठीक है, हैड रिटर्न आएगा बेटा, यहाँ रोट नहीं आएगा, सॉरी रिटर्न, WRITTEN। क्लियर।
ओके तो हैड रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और लेटर. ओके नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. कनिका सेड व्हाई डिड यू गिव अप योर स्टडी. आपने अपनी स्टडीज क्यों छोड़ दी, कनिका ने पूछा. सॉरी कनक ने पूछा. तो अब कनक ने पूछा है, डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हुआ, क्लियर. तो चेंज किया आस्ट में. डब्ल्यू एच फैमिली से है तो कोई कनेक्टेड यूज नहीं हुआ, एज इट इज डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड से हमने स्टार्ट किया. नाउ अब क्या करना है, वैसे ही स्टेप वाइज चेंज कर दो. आप इसको पहले से ही सिंपल बना के रखो. डिड यू गिव अप योर स्टडीज, वाई तो एज इट इज था, उसको हमने ले लिया. अब इतने सेंटेंस को चेंज करना है. तो अगर इसको मैं सिंपल बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, यू गेव अप योर स्टडीज. यू डिड हट जाएगा और गिव के प्लेस पर हो जाएगा गेव. गेव अप योर स्टडी. अब जो हम चेंज करेंगे वो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग होंगे. वाई एज इट इज, यू को हम चेंज कर लेते हैं, ज़ूम कर लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, मुझसे पूछा तो उसके अकॉर्डिंग आई. ठीक है, गेव अब आपकी मेन वर्ब है, डिड नहीं देखनी है अब आपको, गेव देखनी है. ठीक है, क्योंकि हमें सिंपल में चेंज करना है. तो गेव को हम चेंज कर देंगे वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में. तो हैड गिवन अप योर, योर हो जाएगा, हमने यहाँ अज्यूम किया था कि किसको कह रही है, मी को कह रही है, तो मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा योर को चेंज किया माई में, माई स्टडी. क्लियर. ओके नाउ दो एग्जांपल हो रहे हैं, इन्हें और देख लेते हैं. भाविका सेड टू मी, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नॉट नो मी. क्लियर. ओके नाउ थोड़ा सा अगर ध्यान देना, यहाँ सेंटेंस मैंने लिया है इंटरोगेटिव तो है ही बट ऑल्सो नेगेटिव. क्लियर. तो आई ट्राई कि मैं सब टाइप के सेंटेंसेस आपको एक एक तो जरूर करा दे. तो भाविका सैड टू मी, सैड टू चेंज इन टू आस्ट में. हाउ से स्टार्ट हुआ तो कोई कनेक्टर यूज नहीं हुआ. अब देखना क्या चेंजेस होगा. सिंपल में चेंज कर दो इसे. ठीक है. अच्छा अब आप कहोगे कि मैम ऊपर वाले सेंटेंसेस में तो हमने डू को हटा दिया था, यू नॉट नो मी, ऐसे हो जाएगा. बट बेटा ये सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, तो नेगेटिव में नॉट अकेला नहीं आएगा, डू नॉट यूज़ होगा. ठीक है. आप यहाँ पर नॉट को, सॉरी डू को आप स्किप नहीं कर सकते हो, हटा नहीं सकते हो, क्योंकि वो नॉट के साथ यूज़ हुआ है. नेगेटिव बनाने के लिए भी हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, डू नॉट और डज नॉट. ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पर सिंपल जब बनाएंगे तो चेंज हो जाएगा यू डू नॉट नो मी, ये यहाँ आ जाएगा डू नॉट नो मी. क्लियर. तो अब इनडायरेक्ट में क्या बन गया, भाविका आस्क्ड मी हाउ यू मी के अकॉर्डिंग आई नाउ. अब यहाँ डू चेंज हो जाएगा डिड में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म. इंटरोगेटिव था तो हमने इसको सिंपल में चेंज कर लिया था और डिड, डू और डिड जो है वो हट गए थे. बट यहाँ नेगेटिव भी है तो नॉट है साथ में, तो नॉट के साथ सिर्फ अकेला हम नॉट नहीं लेंगे, डू नॉट और डिड नॉट वो साथ में रहते हैं. तो यहाँ डू फर्स्ट फॉर्म थी, चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, डिड नॉट नो मी हिम. क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हमने डिड का एग्जांपल लिया है, रुद्र आस्क्ड हिज फ्रेंड डिडंट यू गो टू द कॉलेज, टू कॉलेज. तो रुद्र आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ. अब इससे पहले सिंपल में बना लो, डिडंट यू गो टू कॉलेज. अब सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है, तो जब सिंपल बनेगा तो ये पूरी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाएगी. क्लियर. तो यहाँ पे हो गया ही डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब यहाँ से हैड हो गया, नॉट हो गया और थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे इसकी, थर्ड फॉर्म चेंज करेंगे इसकी. क्लियर. ओके टू कॉलेज. सो आई होप ये अब ये सेंटेंसेस करने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे.